अरविंद केजरीवाल इज स्पीकिंग राइट नाउ आफ्टर द थ्री डे नेशनल एग्जीक्यूटिव, लेट्स लिसन इन। किया जाएगा तो उसके लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लोकसभा चुनाव में जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को अभूतपूर्व जनमत मिला है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व भविष्य में भी देश को दिशा देने में असमर्थ है। इसी दौरान देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जो कि देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाई गई है। आम आदमी पार्टी देश में स्वराज स्थापित करना चाहती है, जिसमें जनता की सरकारी कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। लोगों को इस पार्टी की विचारधारा बेहद पसंद आई, इसीलिए पार्टी बनने के एक साल के अंदर इस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण था। इस नई पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 430 स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। पहली बार में पार्टी को 4 सीटें मिली और 1,13,00,000 वोट मिले। ऐसे चुनाव में जहां एक व्यक्ति विशेष की पूरे देश में आंधी चलाई जा रही थी और जिस आंधी में अन्य सभी दल उड़ गए, उस माहौल में इस नई पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन ये दिखाता है कि इस देश की जनता को इस पार्टी में से भविष्य में कितनी उम्मीदें हैं। आज यह सब पार्टी के कर्मठ और देशभक्त कार्यकर्ताओं की वजह से संभव हो सका। पार्टी के संगठन को देश की उन उम्मीदों और आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए हमें तैयार करना होगा। देश के सभी अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। इस देश के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस देश की राजनीति को साफ करने का सपना देखते हैं। उन सभी लोगों को साथ लाना होगा। इसके लिए देश भर में एक मजबूत संगठन बनाना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने देश भर में मिशन बुनियाद चलाया था, जब देश के 300 से अधिक जिलों में पार्टी की कमेटियों का गठन किया गया। इसी तरह से 8 राज्यों में पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया था। इनमें से कई समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 1 साल में लाखों नए लोग पार्टी से जुड़े हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे सभी लोगों को जोड़कर हर स्तर पर पार्टी का पुनर्गठन किया जाए। इसके लिए पार्टी मिशन विस्तार शुरू कर रही है। अगले 1 वर्ष में पार्टी देश भर में बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के इस संगठन का पुनर्निर्माण करेगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाएंगे। इसके लिए हर स्तर पर मौजूदा पार्टी की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला और राज्य स्तर समितियों में नए और पुराने लोगों को लेकर पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसे लोगों को काम दिया जाएगा जो गांव-गांव में घूमकर संगठन का निर्माण करेंगे और संगठन के लिए अधिक से अधिक समय देंगे। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन होगा, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों को शामिल किया जा सके और नए लोगों को शामिल किया जा सके। और पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी नई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन करेगी। यह एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए पूरी योजना बनानी होगी। इस योजना का खाका तैयार करने के लिए और प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी हैं, इसके अन्य सदस्य हैं श्रीमती अंजलि दमानिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रवीण अमनुल्ला, श्री आशुतोष, संजय सिंह, अतिशी मारलेना, कृष्णकांत सवेड़ा, पंकज गुप्ता और पुरुषोत्तम कुमार। अजीत झा जी इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो ये तो विशेष, ये जो पार्टी का मिशन विस्तार है उसके बारे में। इसके अलावा पार्टी में एक और 2-3 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक और प्रस्ताव पारित किया गया, मैं वो भी पढ़ के साथ, जो पार्टी देश भर में राजनीतिक स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे देश के लोगों की उम्मीदें पूरी करेंगे। कांग्रेस सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए
गैस के दाम दुगने करना चाहती थी। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से अपील करके इस चुनाव तक उसे रुकवा दिया था। अब अखबारों में छपी खबरों के अनुसार बीजेपी की नई सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम दुगने करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, खाद और बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, सभी खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। हम बीजेपी की सरकार से अपील करते हैं कि गैस के दाम कतई ना बढ़ाए जाएं। हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि सरकार डिफेंस के क्षेत्र में FDI 100% FDI परमिट कर रही है। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, इससे तो हमारी रक्षा विदेशियों के हाथों में चली जाएगी। इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अभी पुणे में एक संगठन के सदस्यों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, यह बहुत दुखदाई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज देश के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ कुकर्म हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और इसमें सभी पार्टियों की सरकारों को मिलकर इस बारे में ठोस कदम उठाने होंगे। नई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काला धन वापस देश में लाने के लिए SIT का गठन किया है। इसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार काला धन देश के बाहर जाने के जो तरीके हैं उन्हें तुरंत बंद करेगी, जैसे प्रॉमिसरी नोट्स को बंद किया जाएगा, जिन देशों के साथ DTA में दोष है वो ठीक किए जाएंगे इत्यादि। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में बिजली और पानी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली और पानी मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में BJP के कार्यकाल में दिल्ली में बिजली और पानी का बुरा हाल हो गया है। हम मानते हैं कि BJP की सरकार को बने भी कुछ दिन हुए हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्र में BJP की सरकार तुरंत दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत को ठीक करेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बिजली के दाम आधे किए थे, 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार के लिए मुफ्त किया था। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार गई, केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी और लोगों पर बिजली और पानी के बड़े दामों का बोझ डाल दिया। हम मांग करते हैं कि केंद्र की BJP की नई सरकार बिजली और पानी पर तुरंत सब्सिडी दे और जनता पर महंगाई का बोझ हल्का करे। आम आदमी पार्टी के 4 सांसद इन सभी मुद्दों पर संसद के अंदर इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। इसके अलावा हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इसके अंदर कई नए सदस्यों को स्पेशल इनवाइटी के तौर पे आमंत्रित किया गया है। मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ, जब तक पुनर्गठित नहीं होती अब नए मिशन विस्तार के तहत, तब तक के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया। मैं प्रशांत जी से कहूंगा कि उनके नाम पढ़ के सुना रहे। इनके नाम हैं आलोक अग्रवाल, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं और हमारे खांडवा के कैंडिडेट थे। अनिल त्रिवेदी, जो कि एक बहुत ही जुझारू पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर रहे हैं, सारे संगठनों को मदद करते रहे हैं और हमारे इंदौर से कैंडिडेट थे। आशीष खेतान, जो कि बहुत ही इस देश के सबसे सर्वोत्तम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहे जा सकते हैं, हमारे नई दिल्ली से कैंडिडेट थे। आशुतोष, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि हमारे चांदनी चौक के कैंडिडेट थे। भगवंत मान जी, जो हमारे संगरूर से जीत कर आए हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। दयामणि बारला, जो कि झारखंड में एक बहुत ही जुझारू ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, हमारी कैंडिडेट भी थी झारखंड से। धर्मवीर गांधी जी, वो भी जीत कर आए हैं पटियाला से, लोकसभा के सदस्य हैं। दिलीप पांडे, जो हमारे नए जनरेशन के बहुत ही बढ़िया लीडर हैं, यंग। डॉक्टर सलील शाह, जो असम के हैं। डॉक्टर अशोक, जो कि यहाँ दिल्ली के हैं। गुल पनाग, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि चंडीगढ़ में हमारी कैंडिडेट थी।
हरिंदर सिंह खालसा जी, वो भी हमारे लोकसभा के सदस्य जीत कर आए हैं पंजाब से, जो कि पहले नॉर्वे के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आईडी खजूरिया जी, जो कि जम्मू से हैं। कंचन चौधरी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पहले महिला डीजीपी रह चुकी हैं और हमारी कैंडिडेट थी हरिद्वार से। कनु भाई कलसारिया, जो एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट गुजरात के हैं, जो हमारे कैंडिडेट थे गुजरात से। लिंगराज भाई, जो कि उड़ीसा के बहुत किसान आंदोलन के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं और वो भी हमारे कैंडिडेट थे उड़ीसा से। मुजफ्फर भट्ट, जो आरटीआई के बहुत पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं और हमारे कैंडिडेट थे श्रीनगर से। पंकज पुष्कर, हमारे बहुत पुराने साथी। परवीन अमानुल्ला, वो भी एक बहुत जुझारू आरटीआई एक्टिविस्ट रही हैं, मंत्री भी थी वहाँ बिहार में, हमारी कैंडिडेट भी थी पटना से। प्रोफेसर साधु सिंह, जो पंजाब से जीत कर आए हैं फरीदकोट से, हमारे लोकसभा के सदस्य हैं। राजमोहन गांधी जी, जिनको आप सब जानते हैं, हमारे ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट थे। सारा जोसेफ, जो कि केरला में हमारी कैंडिडेट थी, बहुत ही रिस्पेक्टेड राइटर, टीचर, जिनको सारा टीचर भी कहते हैं वहाँ। सुनील अग्रवाल जी, जो कि राजस्थान से हैं, हमारे बहुत ही जुझारू एक्टिविस्ट। तनवीर मकबूल दर, जो हमारे कैंडिडेट अनंतनाग से थे। और विजय नायर जी, जो कि बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर बंबई में, जो कि हमारी पार्टी के लिए बहुत दिन से बाकी सब काम धाम छोड़कर लगे हुए हैं। इन सबको, ये बहुत यंग आदमी हैं, इन सबको इसमें आप देखेंगे कि हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे कई माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। ये सब नए नए लोग जो हमारी पार्टी से जुड़े हैं हाल में, इन सबको हम लोगों ने स्पेशल इनवाइटी अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में बनाया। एक चीज़ मैं और कहना चाहता था, बस वो काले धन के बारे में। देखिए, एसआईटी का गठन तो इस सरकार ने कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। रिव्यू पिटिशन जो कांग्रेस की सरकार ने फाइल करी थी वो खारिज हो चुकी थी। अब कोई और विकल्प नहीं था, एसआईटी का गठन तो करना था। लेकिन इसको सक्रिय बनाने के लिए, अगर आप काला धन सचमुच रोकना चाहते हैं, काला धन का जनरेशन और वापस लाना चाहते हैं, तो आपको उसका जो, जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है और जिस वजह से वो आसानी से बाहर और अंदर जा सकता है, राउंड ट्रिपिंग हो सकती है, उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके द्वारा अनोनिमस तरीके से, यानी कि जिसका पैसा है उसका पता ना लगे, उस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में परमिट किए हुए हैं, आपको पहले तो वो बंद करना पड़ेगा। फिर जो टैक्स हेवन्स से जो कंपनियों के द्वारा पैसा आता है, जो पैसा बाहर जाता है, वो फिर टैक्स हेवन्स में कोई फर्जी कंपनी या कंपनी बनाकर उसके द्वारा वापस लिया जाता है। और टैक्स हेवन्स से आपने डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट वगैरह जो किया हुआ है, उसमें ये बोला हुआ है कि भाई आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी के मालिक कौन है, किसका पैसा है। आप The Aam Aadmi Party speaking about changes after its national executive meeting, which lasted 3 days in Delhi.